मानव समाचार मानवता के हक में। आज मालेगांव शहर के अंदर एक बहुत दुख भरी घटना हुई। किला झोपड़पट्टी का एक नौजवान लड़का जो बहुत ही किला झोपड़पट्टी में मशहूर भी था और खिदमते खल्क के अंदर आगे आगे रहा करता था और टीपू सुल्तान ब्रिगेड वगैरह चलाया करता था। अभी काफ़ी बैनर उसके भी मालेगांव शहर के अंदर लगे हुए थे। किला एरिए के हमारे कॉरपोरेटर जाहिद भाई और हमारे मलिक भाई के भांजे, ये लोग यहाँ पर 5 बजे से हम लोग सब सोशल वर्कर और किला झोपड़पट्टी के सभी जिम्मेदारान यहाँ पर लगे हैं। ये मोहम्मद अली रियाज अली शाह, उम्र इसकी 26 साल, ये अपनी बीवी को लेने के लिए शायद बाइक के ऊपर गया था और चौगांव फाटे के पास कुसुम्बा के पास ये हादसे का शिकार हो गया। ज़बरदस्त इसकी टक्कर होने के बाद इसकी जगह पर इंतकाल हुआ, लेकिन वहाँ पर हमारे शहर के जो मंत्री दादा हुसैन साहब के जो लड़के हैं उनको वहाँ से फ़ोन आया। वहाँ से उन्होंने फिर उनके कुछ लोगों को लगा कर और उनकी उसकी जो भी डेड बॉडी थी उसको उठाकर 108 के ज़रिए मालेगांव लाए। मालेगांव लाने के बाद फारान हॉस्पिटल में उसको बताए तो वहाँ पर डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया और कहा कि यार इसका इंतकाल हो चुका है। तो फिर वहाँ से सभी नौजवानों ने सिविल हॉस्पिटल लाया और सिविल हॉस्पिटल लाने के बाद मेंबर साहब और सभी जिम्मेदारान उनकी निगरानी में सिटी पुलिस स्टेशन के हमारे PSI साहब और उनके साथ कांस्टेबल वगैरह ने लग के अहरे दादा वगैरह लग के अभी PM पंचनामा वगैरह करने के 1.5 घंटे के बाद उसकी डेड बॉडी हम लोगों ने निकाल कर उनके घर वालों के ताबे में दिया। तो ये मालेगांव शहर के लिए बड़ी ही दुख की खबर है और सभी उसके अंदर गम में हम लोग शरीक हैं। कहूँगा भाई, जो नौजवान अपने बच्चे है हाईवे पे बराए मेहरबानी ना जाए। हाईवे पे 2-व्हीलर के बहुत ज़्यादा हादसात हो रहे हैं, तो ज़रा अपने माँ बाप का ख्याल करते हुए, अपने बुजुर्गों का ख्याल करते हुए हाईवे पे 2-व्हीलर पे मेहरबानी करें ना जाए। एक नौजवान बच्चा हमारा चला गया है और काफ़ी 3-4 हादसे मालेगांव में हो गए हैं। ओ जावेद भाई, अंदर भाई आगे हो गया ना। ओ जावेद भाई हाँ, एक मैडम।